सभी मित्रों को सादर जय जिनेंद्र और नमस्कार। मैं अशोक जैन, मिलन अभिव्यक्ति की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आजकल हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं भोजन करने, बड़े बड़े होटल्स में ठहरने के लिए जाते हैं। वहाँ कभी हम भावताव नहीं करते, भावताव करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम जानते हैं कि अगर वहाँ हमने कुछ भावताव किया तो बड़ी हिकारत की नज़रों से हमें देखा जाता है। पर वहीं हम जब हमारे गली में, मोहल्ले में, मकान के नज़दीक ठेले वाले, साइकिल वाले सामान बेचने आते हैं या छोटे दुकानदार आते रहते हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा भावताव करते हैं, मोल भाव करते हैं। बड़े रेस्टोरेंट मॉल में तो हम बहुत ही ऊंची ऊंची मूल्य की वस्तुएं खरीदते हैं, बिल भी बहुत ज़्यादा बनता है, पर इन सब्जी के ठेले वालों, फल वालों से हमारा बिल भी बहुत छोटा बनता है और बहुत कम अमाउंट की हम सब्जियां खरीदते हैं और भावताव हम इन्हीं से करते हैं। ये लोग हमें बड़ी हिकारत की नज़रों से देखते हैं, हमारे मुंह पर तो कुछ बोलते नहीं हैं, पर निश्चित ही वे उनके मन में सोचते होंगे कि ये क्या करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा आपसे साझा करना चाहता हूँ। किस्से का मैंने नाम दिया है सब्जी को हाथ नहीं लगाना। बहुत पुरानी बात है, मैं एक मेरे करीबी शहर में रिश्तेदार के यहाँ गया था। सुबह सुबह, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सब्जी वाले आते हैं, ठेले वाले आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। मेरे मित्र के मकान के नज़दीक ही एक सब्जी वाला आया हुआ था। पड़ोस से एक लड़की निकली और सब्जी वाले से पूछा, नींबू क्या भाव है? सब्जी वाले ने बड़े रूखे जवाब दिया, 10 रुपये के 5। जबकि मैंने देख चुका था कि वही नींबू मेरे रिश्तेदार को 10 रुपये में 7 दे चुका था बिना भाव था के। फिर लड़की ने लौकी को हाथ लगाया। अब लौकी को हाथ लगाया तो फिर सब्जी वाले ने बड़े ही तुनक करके और थोड़े हल्के गुस्से में बोला, सब्जी को हाथ नहीं लगाइए, यह आपके लायक नहीं है। जबकि सब्जी मुझे लौकी अच्छी दिख रही थी। अब उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला, घर के अंदर आ गए। फिर रिश्तेदार से मैंने पूछा कि माजरा क्या है, वो इस प्रकार का रोष क्यों व्यक्त कर रहा था। मेरे रिश्तेदार ने बताया कि लड़की पड़ोस में रहती है और शादी उसकी मुंबई हो चुकी है, वो और उसका पति अच्छी नौकरी में है। शादी के पहले वो इस ठेले वाले से बहुत ही ज़्यादा मोल भाव करती थी और मोल भाव करने के पश्चात तोलने में भी बहुत ज़्यादा ठेले वाले से बहस करती थी कि थोड़ा ज़्यादा तोलो, थोड़ा ज़्यादा तोलो। इस कारण वो ठेले वाला बुरी तरह नाराज होकर इस प्रकार का व्यवहार करने लगा था और अभी भी कर रहा है। फिर रिश्तेदार ने ही बताया, लड़की और उसका पति दोनों मुंबई में रहते हैं, बहुत अच्छी तरह कमाते हैं, वेल टू डू हैं। साथ ही सप्ताहांत में वो लड़की हमेशा बताती रहती कि होटल में खाना वगैरह खाने जाते हैं या मॉल वगैरह में खरीदी करने, वो बड़े गर्व से बताती है कि इतने का हमारा बिल हुआ और हमने बैरों को इतनी टिप दी। इस प्रकार वो बोले कि ये पता नहीं मनोवृत्ति क्या है कि वहाँ तो हम कुछ बोलते नहीं हैं, अपनी शान में अपनी जेब से ढीली करते जाते हैं, अपने जेब से पैसा खर्च करते जाते हैं, और वहीं इन गरीब लोगों से पता नहीं क्यों वहाँ अपनी शान समझ में नहीं आती। और समझ तो इन गरीब लोगों की भी है कि ये इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं। 2 पैसे कमाना है गरीब आदमी को, पर वो 2 पैसे भी देना शायद हम नहीं चाहते। तो मित्रों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इन गरीब लोगों से जो छोटे व्यापारी हैं सब्जी के, या छोटे व्यापारी हैं जो गली गली दिन भर आपके यहाँ आवाज़ लगा के सब्जी बेचते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, वो कोई महीनों के 1-2 लाख नहीं कमा लेते हैं। वो अपनी रोजी रोटी ही कमाते हैं, गुजर बसर ही करते हैं, और वे इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और आपके मन में, आप उनके मन में आपके प्रति क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अगर आप उनसे अच्छे से लेंगे, हो सकता है 2 पैसे ज़्यादा दे दे, 2 रुपये ज़्यादा भाव लगा ले वो,
आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर वो 2 रुपये ज़्यादा कमा लेंगे तो उन आपके प्रति उनके मन में बहुत अच्छे भाव पैदा हो जाएंगे। वहीं अगर आप झिकझिक करेंगे, भावता करेंगे, उनको परेशान करेंगे, तो निश्चित ही उनके मन में आपके प्रति क्या भाव होंगे। और ये मान के चलिए कि भावों का बहुत खेल है और इन भावों का हमें बहुत फल निश्चित मिलता है, तो लोगों की अच्छी भावना लीजिए और अच्छा फल लीजिए, बुरी भावना कभी ना लीजिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।